सुना है बीबीसी ने डॉक्टर दीपंकर रॉय की गवेषणाई खबर ब्रॉडकास्ट कर दी है, लेकिन जब तक विदेश से रिकॉग्निशन नहीं मिल जाती हमारा विश्वास दूर नहीं होगा। आप इतने बड़े गायनेकोलॉजिस्ट होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? जी करता हूं। आप हंस सकते हैं, मैं डॉक्टर दीपंकर रॉय को नहीं पहचानता और न ही कभी उनसे मिला हूं, पर सुना है कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बस इतने से आपने यकीन कर लिया? आप लोगों का भी जवाब नहीं। मैं कहता हूं कि ये स्टंट है, स्टंट। सिर्फ प्रमोशन के लिए अपना रास्ता बना रहा है। ये किसी एक रोग का वैक्सीन है, इससे भला औरतों की स्टेरिलिटी कैसे दूर होगी? चिकन पॉक्स रोग के साथ औरतों का संबंध है, वो कैसे? कैसा संबंध? प्यूबर्टी अटेन करने के बाद चिकन पॉक्स होने से कई औरतें अंधी हो जाती हैं, और प्रेगनेंसी में जर्मन मिजल्स होने पर बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। ये और बात है, दरअसल औरतों के जिस्म ही कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि... मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं डॉक्टर रमन आचार्य जी, मुझे गायनेकोलॉजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। फ्रॉड, डॉक्टर दीपंकर इज ए फ्रॉड। मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि मामले की तह तक गए बिना किसी पर बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए।